जय हिंद दोस्तों, के ट्रेड के एक और फ्रेश वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों नाम आप लोग ऊपर में देख रहे हो, रेडिंगटन लिमिटेड। जय दोस्तों, रेडिंगटन लिमिटेड नाम से एक कंपनी है जो कि बहुत ही ज्यादा दोस्तों धुआंधार कंपनी है, और डेफिनेटली आपको भी यहाँ पर पसंद आएगी और यहाँ पर चौंकने वाले डिटेल्स इसके आपके सामने आज मैं रखूंगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे रेडिंगटन लिमिटेड को, किस सेक्टर से ये कंपनी, क्या करती है, कितने सालों से काम कर रही है, क्या एक बिजनेस है, सारे इधर चार्ट क्या कह रहे हैं और फंडामेंटल डिटेल्स कैसे हैं, ये सारी चीजें दोस्तों एक ही वीडियो में कवर करूंगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जल्दी से देखते हैं रेडिंगटन लिमिटेड को। सबसे पहले रेडिंगटन लिमिटेड के बारे में दोस्तों बता देता हूं आपको। एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1993, या दोस्तों 1993 की कंपनी है, और जो बेसिकली ये काम करती है वो दोस्तों ट्रेडिंग है। जैसा कि आप देख सकते हो, रेडिंगटन लिमिटेड का जो सेक्टर आपको देखने को मिलेगा वो ट्रेडिंग सेक्टर देखने को मिलेगा। ये मेजर कंपनीज के आईटी एंड मोबिलिटी आइटम्स को ट्रेड करती है, और ये ट्रेड करने की जो इसकी कंट्री है वो दोस्तों, मतलब कंट्री नहीं, एग्जैक्ट बोलो तो उसके जो सेंटर्स हैं या फिर जो इसके ब्रांचेज है वो दोस्तों 37 ब्रांचेज हैं पूरे एशिया और अफ्रीका में। या दोस्तों एशिया और अफ्रीका में मैं आपको यहाँ पर दिखा भी सकता हूँ, करीब करीब 37 ब्रांचेज है दोस्तों इस कंपनी के, रेडिंगटन लिमिटेड की। और ये जो ट्रेडिंग करती है वो दोस्तों आईटी और मोबिलिटी में करती है, और साथ ही साथ दोस्तों इसके जो ब्रांड्स है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 235 इंटरनेशनल ब्रांड्स है, यानी कि बहुत ही बेहतरीन सेक्टर में बिलोंग करती है, और 37 इमर्जिंग मार्केट्स में ये दोस्तों ट्रेड करती है। यानी कि बेसिकली आप समझ सके घर के भाषा में तो 37 ब्रांचेज है इसके ऑल ओवर एशिया एंड अफ्रीका। तो ये दोस्तों इसका कुछ बिजनेस है, आप चाहे तो इसकी वेबसाइट पर आ सकते हैं और डिटेल से रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड को यहाँ पर, या रेडिंगटन लिमिटेड को आप यहाँ पर आके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर फंडामेंटल डिटेल्स की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे रेडिंगटन लिमिटेड को। तो यहाँ पर सबसे पहले फिल्म स्टार्स की रेटिंग से मिलवाना चाहूंगा दोस्तों। फाइनेंशियल आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 5 स्टार्स की रेटिंग है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बेहतरीन यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। तो आपको पैसा जो आपका वो दोस्तों सेफ होने वाला है। इफिशियंसी की बात करें तो यहाँ पर 5 स्टार्स की रेटिंग, यानी कि कंपनी काफी अच्छे तरीके से जम कर अपने सेक्टर में काम कर रही है, इसमें भी नो डाउट है। उसके अलावा ओवरऑल स्टार्स की बात करें तो 4 स्टार्स की रेटिंग है। वैल्यूएशन के मामले में थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, और ओनरशिप के मामले में दोस्तों स्टेबल के क्रिटेरिया में फिट बैठ रहा है। तो यहाँ पर फंडामेंटल डिटेल्स को देखेंगे, 10,000 करोड़ की कंपनी है, यानी कि 1 बिलियन की कंपनी है, 1 बिलियन से ज्यादा की कंपनी है। टोटल नंबर ऑफ शेयर 78 करोड़ 15 लाख है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर आप देखोगे तो 15 के अंडर ट्रेड करिए। इसका जो सीधा सा रीजन है वो ये है कि इसकी अर्निंग्स जो वो काफी तेजी से यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, ज्यादा हो गई है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो थोड़ा सा ऊपर ट्रेड कर रहा है 3 से, तो ठीक है, अगर कंपनी अच्छी है तो थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन भी चल जाएगा। बुक वैल्यू की बात करें 34 रुपीज, और करंट मार्केट प्राइस 135 है, तो आप समझ सकते हो कि कितने गुना आप इसको पेमेंट कर रहे हो। कैश की बात करें तो 876 करोड़ का तो कम से कम कंपनी ने कैश रख रखा है, और डेट के नाम पे दोस्तों कुछ नहीं है, 0.16 करोड़ का। और डेट टू इक्विटी रेशियो आपको दिखा दो तो वो तो 0.0 ही निकलने वाला है, क्योंकि कंपनी का कुछ डेट है ही नहीं, डेट फ्री कंपनी है। इसीलिए दोस्तों इसके जो मार्जिन है, इसके जो प्रॉफिट है, वो काफी तेजी से आपको यहाँ पर बढ़ते हुए दिखेंगे। उसी तरीके से अगर आप देख ले अर्निंग पर शेयर को, तो 12 रुपए की अर्निंग पर शेयर है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीबन 48% की है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 40% की है। सेल्स ग्रोथ भी देख सकते हैं करीब करीब 18% की है। और प्रॉफिट ग्रोथ की बात अगर करें तो 255% की प्रॉफिट ग्रोथ है। तो ये सारी चीजें को देखकर दोस्तों एक बात तो कंफर्म है कि रेडिंगटन लिमिटेड जो है वो एक सेफेस्ट स्टॉक होने वाला है, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो। यहाँ पर क्वार्टर के रिजल्ट्स को मैं जरूर चेक करूंगा, और क्वार्टर के रिजल्ट अगर आप देख सके तो काफी तेजी से दोस्तों ग्रो हुए हैं। जून 2021 में 5300 करोड़ का नेट सेल्स था, जो कि बढ़कर जून 2022 में करीब करीब 7600 करोड़ का हो चुका है। तो आप समझ सकते हो कि किस तेजी से दोस्तों इसके नेट सेल्स में ग्रोथ देखने को मिली है। उसी तरीके से सेम अगर हम लोग देखेंगे तो 95 करोड़ का प्रॉफिट था जून 21 में, और जबकि जून 21 में 150 करोड़ का प्रॉफिट है। तो आप समझ सकते हो करीब करीब 50 करोड़ का इसने अपना एक साल में जो है मुनाफा बढ़ा लिया है, जो कि परसेंटेज वाइज अगर मैं देखना चाहूँ तो करीब करीब यहाँ पर 50% के आसपास का प्रॉफिट इंक्रीमेंट है क्वार्टर एनुअल बेसिस पर। अब बात कर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, तो सालाना दर पर अगर आप देखोगे तो मार्च 2022 में आपको 27,000 करोड़ का नेट सेल्स देखने को मिलेगा, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो करीब करीब 935 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो ये दोस्तों काफी जबरदस्त है कि कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल और काफी तेजी से दोस्तों ये ग्रो कर रही है। तो इसके शेयर्स पे भी हम लोगों को दोस्तों ध्यान देना होगा। तो शेयर्स के लिए हम लोग चलते हैं ट्रेडिंग टर्मिनल पर, और देख सकते हैं जैसा कि रेडिंगटन लिमिटेड आपके पास डेली टाइम फ्रेम पर खुला हुआ है, और इसका जो ऑल टाइम हाई है वो करीब करीब 180 के आसपास का दिख रहा है, और 180 का हाई लगाने के बाद दोस्तों अभी ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है 135 पर। तो अगर आप चार्ट के अकॉर्डिंग चलते हो, टेक्निकल एनालिसिस पर ज्यादा फोकस करते हो, तो आपको यहाँ पर अंडर वैल्यू का सिचुएशन तो दिख ही रहा है साफ साफ। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है 135 के पास। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको व्यू बता दूं
कि मेरा इसके ऊपर व्यू दोस्तों लॉन्ग टर्म का होने वाला है, क्योंकि इसके फंडामेंटल डिटेल दोस्तों इतने ज्यादा बेहतरीन है कि इसमें शॉर्ट टर्म बेसिस के बारे में तो मैं नहीं सोच सकता, लॉन्ग टर्म बेसिस पर ही मेरा इस पर ज्यादा फोकस है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म बेस पर ट्रेड लेना चाहते हैं, पोजिशन बनाना चाहते हैं, तो ये भी दोस्तों काफी अच्छा जोन है 135 उसके लिए। देख सकते हैं ऊपर से ट्रेड लाइन का सपोर्ट है और एक नीचे से कहीं ना कहीं ट्रेड लाइन का सपोर्ट है। अगर मैं ट्रेड लाइन को यहाँ तक खींच दूँ तो और बढ़िया होगा। तो ये अगर एक ट्रेड लाइन जो ब्लीच होता है करीब करीब 140 के ऊपर, तो ये दोस्तों एक आपको शॉर्ट टर्म बेसिस पर अच्छा मूवमेंट दे सकता है 160 के करीब का। तो ये आप एक शॉर्ट टर्म बेसिस पर अच्छा ट्रेड ले सकते हो, लेकिन मेरी ऐसे रिकमेंडेशन आपके लिए नहीं रहेगी। मैं बोलूंगा कि आप अपने रिसर्च एनालिसिस को पक्के करने के बाद ही शॉर्ट टर्म बेसिस पर ट्रेड लें, और लॉन्ग टर्म बेसिस पोजिशन बनाने के लिए दोस्तों फिर से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि मैंने आपके सामने स्टॉक प्रेजेंट कर दिया, स्टॉक के सारी डिटेल्स आपको बता दी, अच्छी बातें भी बता दी, बुरी बात कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए, तो बताने की वैसे भी कुछ खास जरूरत नहीं है। ऐसा कोई डेट वेट रहता तो मैं जरूर आपको दिखा देता, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो कंपनी ओवरऑल दोस्तों काफी सही है, और मेरा इसके ऊपर व्यू पर्सनली जो मैं बता रहा हूँ वो लॉन्ग टर्म का व्यू है, शॉर्ट टर्म का कोई भी व्यू नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको स्टॉक पसंद आया होगा रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड का। आप चाहें तो वेबसाइट पर इसके आए और इसके काम के बारे में और ज्यादा तलाश करें, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में और ज्यादा तलाश करें, तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। होपफुली दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, स्टॉक आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ एंड गुड बाय।